रायपुर में व्यापारियों की बैठक के बीच विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल बैठक में व्यापारी नेता राजेश वासवानी, लालचंद गुलवानी और प्रकाश लालवानी का अपमान किया गया। चैंबर के पूर्व संरक्षक योगेश अग्रवाल ने बताया कि चैंबर की कार्यकारिणी की बैठक में व्यापारी नेता मंच पर अध्यक्ष की अनुमति लेकर बोलने गए, जिसके बाद उन्हें हाथ पकड़कर मंच से उतारा गया, जो प्रदेश के व्यापारी प्रतिनिधि का अपमान है। वहीं व्यापारी एकता पैनल के प्रवक्ता राजकुमार राठी ने कहा कि यह घटना चैंबर के इतिहास में पहली बार हुई है, इसलिए चैंबर अध्यक्ष को मामले में खेद करना चाहिए ताकि यह घटना दोबारा न हो। चैंबर के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित ब्लड की कालाबाजारी पर कार्रवाई की मांग की गई है, जो गलत नहीं है। अभी आज सारे व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम सभी बैठक कर रहे हैं। जो चैंबर में जिस प्रकार की रणनीति चल रही है वो पिछले 65 सालों में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। चैंबर चुनाव के बाद सभी व्यापारी एक होते हैं और मिलजुल करके काम करते हैं। जब पूरन लाल जी अग्रवाल श्रीचंद जी से हारे तो श्रीचंद जी ने उन्हें चेयरमैन बनाया और उनके साथ मिलजुल करके काम किया। इसके पहले भी चुनाव होते रहे, अगर कोई प्रत्याशी किसी दूसरे पैनल से जीत के आता तो उसको पूरा सम्मान दिया जाता है और कई पैनल की बात ही नहीं होती चुनाव के बाद। लेकिन इस बार जो पदाधिकारी हमारे चुन करके आए हैं वो चैंबर में राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि राजनीति में जैसे मान लीजिए भूपेश बघेल जी चुनाव जीते तो वो अपने अपने लोगों को बना रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को बना रहे, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि वो राजनीतिक मंच है, ये व्यापारिक मंच है और व्यापारिक मंच में ऐसा नहीं होता है। यह चुनाव जीतने के बाद सारे व्यापारी एक होते हैं। अब ये जितने व्यापारी जो एकता पैनल से लगभग 11 जिलों में जीत करके आए वो उनको बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे, उनके खिलाफ जो लोग हारे हैं उन्हीं को उपाध्यक्ष बना दे रहे हैं।